आजादी के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की। इस दौरान रास्ते में कई परेशानियां आई, कई मौके ऐसे आए जब भारत को दुनिया के सामने खुद को प्रूव करना पड़ा, लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, लेकिन भारत अपनी मजबूती पर अडिग रहा और यही कारण है कि मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देश बनकर खड़ा है और दुनिया हर एक मामले में भारत की तरफ नजरें गड़ाए रखती है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह रही है कि भारत के पास एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने सख्त फैसलों से इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख दिया। वही भारत की खुशनसीबी ये भी रही कि हर दौर में भारत के पास कोई ना कोई शानदार विदेश मंत्री या विदेश नीति वाला व्यक्ति मौजूद रहा जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की और बताया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। फिलहाल भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दुनिया जब भारत के विदेश मंत्रियों या विदेश नीतियों के पारंगत शख्सियतों के बारे में देखता होगा, सुनता होगा, तो निश्चित तौर पर एक बार उसे जरूर एहसास होता होगा कि काश ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ भी मौजूद होती। बहरहाल ये भारत के लिए एक अच्छी बात रही है कि शुरू से हमारे पास इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, सुषमा स्वराज से लेकर यस जयशंकर जैसे कूटनीति के माहिर विदेश मंत्री रहे। तो आज बात इन्हीं महान शख्सियतों की करेंगे जिन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। इंदिरा गांधी। सख्त छवि, मजबूत इरादे और फैसलों पर अडिग रहने वाली इंदिरा गांधी विदेश नीति में भी पारंगत थी। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की थी और ये बात पूरी दुनिया जानती थी। यही कारण रहा कि इंदिरा गांधी के फैसलों पर दुनिया ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। इंदिरा मित्र देशों से अपनी शर्तों के साथ ही रिश्ते की पक्षधर हुआ करती थी। उन्होंने भारत का पक्ष हमेशा से हर जगह मजबूती से रखा। अटल बिहारी वाजपेयी। बेबाक छवि, वाक पटुता और मुंह पर बोल देने की आदत, ये सबसे बड़ी खासियत थी अटल बिहारी वाजपेयी की। जनता पार्टी की सरकार में 26 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान अटल ने भारत की विदेश नीति को पूरी दुनिया में मजबूती के साथ रखा। वो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री भी बने थे। जब 4 अक्टूबर 1977 को दुनिया के सामने उन्होंने पूरे दम के साथ हिंदी में भारत का परचम लहराया था, परमाणु परीक्षण के वक्त भी वाजपेयी ने किसी की नहीं सुनी और अपने फैसले पर अडिग रहे। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, माँ, आंटी, दादी, बहन, दीदी, कुछ इसी नाम से तो लोग उन्हें बुलाते रहते थे। हमेशा वो विदेश मंत्री ना होकर आम लोगों की मंत्री बनी रही। उन्हें इतना प्रेम था लोगों से कि उनके एक ट्वीट पर वो सख्त से सख्त एक्शन ले लेती थी। मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभालते हुए उन्होंने भारत को खूब सशक्त किया और हर जगह उन्होंने भारतीयों का मान रखा। यही कारण रहा कि जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो ऐसा लगा कि जैसे अपने घर से कोई चला गया। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सबको सख्त लहजे में ही साफ साफ संदेश दिया कि भारत डरने और दबने वाला नहीं है किसी से, और उनका यही अंदाज उनकी छवि को और मजबूत बनाता था। यस जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी यस जयशंकर मौजूदा वक्त में भारत के विदेश मंत्री हैं। बोलते हैं तो बड़ा कमाल का बोलते हैं। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या चीन, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। जो भी भारत को ज्ञान देने की कोशिश करता है, यस जयशंकर उसको वहीं पर मुंहतोड़ जवाब दे देते हैं। वो चाहे तेल के आयात निर्यात की बात हो, विकास की बात हो, हथियार लेने देने की बात हो, यस जयशंकर किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और सबको दो टूक जवाब देने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है और यही चीज उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो ये रहे भारत के ऐसे विदेश मंत्री या विदेश नीति के ज्ञाता जिन्होंने दुनिया भर में भारत का परचम लहराया और पूरे दम के साथ अपनी बात रखी, जिसकी वजह से भारत की छवि दुनिया में मजबूती से पहुंची और कोई भी देश भारत के खिलाफ अब बोलने से पहले 1000 बार सोचने लगा है।